मैं एमएम पटेल इस सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। टू कीप योर ब्रेन फिट एंड एक्टिव लॉजिकली सॉल्व वन पजल एवरी डे 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में दो प्रॉब्लम्स हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आपने पजल नंबर 68 और 69 सॉल्व नहीं की है तो इस पजल को छोड़ करके पहले 68 और 69 को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इस पजल का फाउंडेशन 68 और 69 में है। यह पजल थोड़ी सी एडवांस्ड है। यदि आप पजल नंबर 68 और 69 को सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये पजल बिल्कुल आसान लगेगी। तो आज की पहली पजल देखते हैं। आपको 30 और 60 के बीच में आने वाले प्राइम नंबर्स में से चार प्राइम नंबर्स इस तरह सेलेक्ट करने हैं, चार अलग अलग प्राइम नंबर्स इस तरह सेलेक्ट करने हैं कि चारों का एवरेज यदि आप निकालें तो आपको एवरेज मिले 45। आप ट्रायल एंड एरर से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने एक उत्तर निकाल लिया तो मैं कहूंगा दूसरा उत्तर पॉसिबल है या नहीं मुझे बताइए। यदि आपने दूसरा उत्तर निकाल लिया तो मैं कहूंगा तीसरा पॉसिबल है कि नहीं बताइए। यदि आपने तीसरा निकाल लिया तो मैं कहूंगा चौथा पॉसिबल है कि नहीं बताइए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, हमने चार प्राइम नंबर्स के सारे कॉम्बिनेशंस निकालने पड़ेंगे और उसके बाद सारे कॉम्बिनेशंस के एवरेज को चेक करना पड़ेगा। तो ये काम हम सिस्टमेटिकली करेंगे, मेथड से करेंगे। हम मेथड पहले सीख चुके हैं, फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 30 और 60 के बीच में आने वाले प्राइम नंबर्स को निकालना। प्राइम नंबर्स होंगे 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 59। अब इन सात प्राइम नंबर से चार अलग अलग प्राइम नंबर्स कितने तरीके से हम ले सकते हैं वो डिसाइड करना है, और उसके बाद उन चार प्राइम नंबर्स का एवरेज 45 होता है कि नहीं वो देखना है। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशंस निकालना शुरू करते हैं। हम सातों नंबर एक रो में लिखते हैं, 31, 37, 41, 43, 47, 53 एंड 59। पहले चार नंबर ले लें, 31, 37, 41, 43, टोटल कितना हुआ 152। इनमें से चार ले लें, 31, 37, 41, 47, टोटल हुआ 156। नेक्स्ट 31, 37, 41, 53, टोटल हुआ 162। नेक्स्ट 31, 37, 41, 59, टोटल हुआ 168। आपने नोटिस किया होगा पहले के तीन नंबर हमने सारे कॉम्बिनेशंस में लिए, चौथा नंबर हमने चेंज किया। अब जितने टोटल आए उसका एवरेज निकालेंगे तो 45 नहीं होगा, क्योंकि टोटल हमें चाहिए 180। 180 डिवाइडेड बाय 4 हमें 45 देगा। 31 और 37 को लेकर के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे बन गए। अब हम 37 को नेक्स्ट रो में ड्रॉप करते हैं और लेते हैं 31, 41, 43, 47, 53, 59। कॉम्बिनेशन तीन मिलेंगे, 31, 41, 43 और 47, टोटल 162। नेक्स्ट 31, 41, 43, 53, टोटल 168। और लास्ट में 31, 41, 43 और 59, टोटल 174। यहां भी 180 का टोटल नहीं है। अब दूसरे रो में 31 और 41 को लेकर के जितने टोटल आने थे आ गए। अब 41 को ड्रॉप करते हैं और बाकी पांच नंबर लेते हैं, 31, 43, 47, 53 और 59, दो टोटल मिलेंगे। उसमें 31, 43, 47 और 59 का टोटल 180 है, पहला उत्तर मिला। अब हम 43 को ड्रॉप करते हैं तो चार नंबर बचेंगे, 31, 47, 53, 59,
टोटल इज 190। अब 31 को लेकर के जितने कम्बिनेशन बनने थे बन गए, तो 31 को ड्रॉप करते हैं और पांचवें रो में हम स्टार्ट करते हैं 37 से। 37, 41, 43, 47, 53, 59, यहां पर तीन कम्बिनेशन बनेंगे और आखिरी कम्बिनेशन 37, 41, 43 और 59 का टोटल मिलता है 180। दूसरा उत्तर हमें मिला। उसके बाद 41 को ड्रॉप करते हैं, 37, 43, 47, 53, 59, यहां पर पहला कम्बिनेशन 37, 43, 47, 53 का टोटल हमें मिला 180, तीसरा आंसर मिला। उसके बाद 37, 43 से 43 को ड्रॉप करेंगे, 37, 47, 58, 59, 196। ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू करके और तीन रो हमने बनाए, चार कम्बिनेशंस बने, किसी का भी टोटल 180 नहीं मिला। तो हमारे पास तीन पॉसिबल आंसर्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हम सिस्टमैटिकली गए, कम्बिनेशन हमने सिस्टमैटिकली बनाया और हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि तीन ही पॉसिबल आंसर्स हैं, चौथा उत्तर नहीं है। मैंने एमएस ऑफिस के एक्सेल शीट में यह प्रॉब्लम सॉल्व किया, बहुत आसानी से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यदि आप स्टैंडर्ड 7, 8, 9 में है तो आपने इस प्रॉब्लम को एमएस एक्सेल यूज करके सॉल्व करना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम यदि आप एमएस एक्सेल में सॉल्व करते हैं तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को बूस्ट मिलेगा। इस भाग की दूसरी पजल देखते हैं। यहां भी हमें 30 और 60 के बीच के प्राइम नंबर्स लेने हैं, लेकिन 5 प्राइम नंबर्स लेने हैं और 5 प्राइम नंबर्स इस तरह से लेने हैं कि उन प्राइम नंबर्स का यदि हम एवरेज निकालें तो एवरेज भी प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर्स हमें पता है 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 59। कम्बिनेशंस सारे हम बनाएंगे। कम्बिनेशंस बनाने का तरीका हम सीख चुके हैं। पहली लाइन में लेते हैं सारे प्राइम नंबर्स, कम्बिनेशंस हो जाएंगे पहले 5 नंबर, फिर 4 नंबर और छठा नंबर, फिर 4 नंबर और आखिरी नंबर। हमें टोटल मिलते हैं 199, 205, 211। हमने एवरेज निकाला 39.8, 41 एंड 42.2। एक्चुअली एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, हमें जो भी टोटल मिले 5 से डिविजिबल होना चाहिए। मैंने एक्सेल शीट में किया इसलिए एवरेज निकाला। यहां पर हमें पहला उत्तर मिलता है 31, 37, 41, 43 और 53 विद एन एवरेज ऑफ 41। नेक्स्ट 6 प्राइम नंबर लें, पहले रो से 37 को ड्रॉप करें, 31, 41, 43, 47, 53 और 59। पहले 5 नंबर का टोटल 215, दूसरा टोटल पहले 4 नंबर और छठा नंबर टोटल 221। 215 को यदि 5 से डिवाइड करें तो आंसर मिलता है 43। 43 इज ए प्राइम नंबर, सो यहां पर हमें दूसरा उत्तर मिलता है 31, 41, 43, 47, 53 गिविंग एन एवरेज ऑफ 43। हम कम्बिनेशंस बनाना चालू रखते हैं और कम्बिनेशंस बनाते हैं, लेकिन किसी भी कम्बिनेशन में हमें ऐसे टोटल नहीं मिलते जो 5 से डिविजिबल हो। तो फाइनली हमें दो उत्तर मिले, पहला उत्तर और दूसरा उत्तर। एमएस एक्सेल में मैंने जो सॉल्व किया उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी तरह से नए नए मेथड्स सीखते सिखाते और नई नई कुशलताएं डेवलप करते कराते हम 501 पजल की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अगली पजल में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।